हैप्पी मैन है भाई। हजार का कर ले ठीक है और दे रू और ठीक है। हाँ भैया हवा चेक हो गया नहीं कोई दुकान है वो जट में चालू है बराने बराने बारे आगे दुकान तू भाग के पीछे लग गयो बावले उसके मैं सिटी लड़के पीछे डाल दूँ मार नावार सही जगह ही थी बस के पीछे दबी चली आ रही थी मार तो मेरे कहीं चला रहा हूँ तो बहुत अच्छी बस चप बुना है वो ये कहाँ तो सिर्री बने ये हमें ले रहा है रही थी। हाँ वो सिटी लैंड वालों भाई थी होती वैन के लंडन है सिटी लैंड वालों। हाँ सिटी लैंड वालों अरे भाई वो पागल चला रहा हूँ सिटी वालों राम दलाल राम दलाल यूपी कैसी तो चैनल यूपी 84 ब्लॉग। तो आज है हमारा डे टू हम हाँ अभी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ से हम निकलेंगे यहाँ से कसौल के लिए कसौल नहीं तो मनाली कहीं अभी प्लान ट्रिप नहीं है देखते हैं बाकी का। और अभी दिखाते भाई रूम देखो कैसा कुत्तों का रूम देखो भाई अभी क्या हम लोग अपना निकेपर वगैरह सारा ग्लव्स वगैरह अभी चल रात में हम लोग सुबह रात में क्यों हम लोग पहुँचे सुबह 5:30 के करीब फिर हम लोगों ने ये पूरा मतलब इधर अभी सोए थोड़ी देर सोए उसके बाद फिर उठे फिर उठने के बाद सोचा भी सारा कि जो भींग गया था कल नाइट में कि कल रात को आपने देखा क्या ही मौसम था कैसे गंदा मौसम था होप ऐसा एकदम किसी को मौसम को किसी को नाम का फिर देखते हैं अभी तो बस करते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट फिर निकलते हैं अपनी राइड के लिए तब तक के लिए मिलते हैं दादा तो फाइनली हम जा रहे हैं कुल्लू तो फाइनली जो डेस्टिनेशन जो हमारा सेट हुआ है वो भी हुआ हमारा कुल्लू का तो हम फिर जाएंगे कुल्लू और कुल्लू तो रखते हैं कहाँ रखते थे वहाँ पर अभी चलते हैं और जो खाते रहते हैं बाइक का मज़ा लीजिए एंजॉय करिए और फाइनली अभी हम आ गए चंडीगढ़ मोहाली जैसे कि देखो भाई अंकल पता नहीं क्यों घूर रहे थे भाई हमें पता नहीं हमने क्या बिगाड़ दिया तो बाकी का देखो भाई तो अभी हम लोग कर रहे हैं अब गाइस हमारी मनाली की पहली टर्मिनल जो कि भाई और गारंटीड से हमारा चार्ट हो चुका है क्योंकि भाई हमने ऑलमोस्ट टर्मिनल की स्पीड होती है 60 और हमने 80+ ही कवर कर दिया जैसे हमने देख लिया भाई यहाँ पे मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा क्या बोलते हैं लीड वगैरह करने का पर क्या मेरा दोस्त जो है वो अच्छे से लीड कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई एडवांटेज नहीं हमारे पास डिसएडवांटेज ये था कि भाई हमारे पीछे था बैग और बैग को पता है बैग अगर पीछे आप कैरी करके चल रहे तो आप रिस्क नहीं ले सकते भाई क्योंकि रिस्क उसमें फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर बैग थोड़ा सा भी स्ट्रैप हुए अप डाउन हुआ तो भाई 100% आप गिरोगे इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरी राइड खराब हो या मेरे चक्कर में भाई आप लोग आप जो देखोगे वो आप फिर वो भी रह जाओगे तो बाकी का देखते हैं भाई। और ये देखो भाई फिर ये और मारा हमने फिर मारा भाई ऐसे ही थोड़ी सी करता रहता यार बाकी का क्योंकि भाई थोड़ी सी खींची थी मैंने बाइक और यहाँ तो उसके बाद फिर मैंने ये चेक किया था थोड़ी देर बाद मैंने फिर उसको चेक किया था और भाई हमारे पास आ चुका है अभी तक टोटल 3 चालान भाई और तीनों ओवर स्पीडिंग है क्योंकि यहाँ पे भाई अब पता ही नहीं चलता भाई कितना क्या है मैं 60 स्पीड लिमिट के जब तक मैं देख पाता हूँ पता तक भाई निकल जाता है मैं चलो छोड़ो यार क्या ही बोलना बस फोटो अच्छी खींच के भेज देना भाई यार तो बाकी कर फिर चलते हैं थोड़ा सा
मस्ती वगैरह लग रही। बाकी आप बताओ भाई, आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? अगर पसंद आ रहे तो कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट सेक्शन पसंद आता है आपको भाई, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं चल पाता हूँ। बाकी ये भाई मैं नज़ारे के चक्कर में था थोड़े से, पर क्या कहूँ ये भाई, इसलिए ये जो हमारी जो टर्मिनल है ये है नानी ले से, तो चौथी टर्मिनल है अभी जिसमें आराम चल रहे थे। बाकी अभी गाइस बार बार पीछे रह जा रहा है। मैं चुप खाते हैं फिर खा के उसके बाद बताते हैं आपको। तुम तो पता देख लियो ठीक है। अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है?